जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे कि आखिरकार समर एयर डिफेंस सिस्टम कितना इफेक्टिव है और क्यों इसे लो कॉस्ट देसी जुगाड़ के नाम से जाना जाता है, और इसके आने से सेना की कैपेबिलिटीज कितनी ज़्यादा इन्हेंस होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, मई 2021 में भारतीय सेना के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर एयर डिफेंस सिस्टम प्रदर्शित किया गया था, और उस समय क्योंकि ये समर का पहला वेरिएंट था इसलिए इसे समर वन के नाम से पुकारा गया। इसमें दो वेम्पल R-73 जो मिसाइल्स हैं, जो कि बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, इनको प्लेस किया गया था ZIL-131 6x6 ट्रक में। और अगर हम लॉन्चर सिस्टम की बात करें तो उसमें हमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम भी देखने को मिला था। वहीं अगर हम डिफेंस एक्सपो 2022 की बात करें तो डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान समर वन एयर डिफेंस सिस्टम को एक अशोक लेलैंड स्टैलियन 4x4 ट्रक में माउंट किया गया था। दरअसल R-73 मिसाइल की अगर हम बात करें तो यह R-73 शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल का ही एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जिसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 30 किलोमीटर की है, और ये अपने साथ 8 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड्स हैं इनको कैरी करने में सक्षम है। हालांकि अगर हम इस मिसाइल की एक्चुअल रेंज की बात करें तो जो हमने 30 किलोमीटर की रेंज बताई है वो तब की है जब इसे एल्टीट्यूड पर लॉन्च किया जाता है, और वहां पर जो एयरक्राफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी है वो भी उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। लेकिन जब इसे ग्राउंड से लॉन्च किया जाएगा एक लॉन्चर की सहायता से, तो माना जा रहा है कि इसकी रेंज काफ़ी कम होगी और इसकी जो ओवरऑल रेंज बचेगी वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की ही बचेगी। और फिर भी ये जो मिसाइलें काफ़ी इफेक्टिव मानी जाती है स्लो और लो मूविंग जो एरियल टारगेट्स हैं उनके अगेंस्ट। तो समर वन एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन है जो कि हमें स्लो मूविंग एरियल टारगेट्स के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन प्रदान कर सकता है। एक तरफ जहां इंडियन आर्मी के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने समर वन एयर डिफेंस सिस्टम प्रदर्शित किया गया, तो भारतीय वायुसेना भी इसमें कैसे पीछे रहती। भारतीय वायुसेना ने भी समर का एक नया वेरिएंट तैयार किया जिसको हम समर 2 के नाम से जानते हैं, और भारतीय वायुसेना ने इसे डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रदर्शित भी किया है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स का ये जो वेरिएंट है इसे भारतीय वायुसेना के 7 बेस रिपेयर डिपो और 11 बेस रिपेयर डिपो की सहायता से बनाया गया है, और इसमें प्राइवेट फर्म सिमरन फ्लोटेक इंडस्ट्रीज ने भी उनकी सहायता करी है। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको इस प्रकार डेवलप किया गया है कि इसमें रशियन वेम्पल R-27 ET-1 एयर टू एयर मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि थर्मल गाइडेंस के साथ में आती हैं और इन्हें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी माना जाता है। समर 2 एयर डिफेंस सिस्टम को 8x8 टाट्रा 815 ट्रक पर माउंट किया गया है, जिसमें दो मिसाइल्स होती हैं, यानी प्रत्येक लॉन्चर में एक मिसाइल, और इन मिसाइल सिस्टम को इजीली कवर भी किया जा सकता है फोल्डेबल रूफ जो कि ट्रक में मौजूद है उनके द्वारा। यानी इंडियन आर्मी समर 1 को ऑपरेट कर रही है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए समर 2 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार हो चुका है। वैसे अगर देखा जाए तो एयर टू एयर मिसाइल्स को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है, बल्कि इसके पहले भी हमने ये चीज़ें देखी हैं। आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यमनी रेबल ग्रुप के द्वारा भी R-27 ET मिसाइल को सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है, और मार्च 2018 में उनके द्वारा ये क्लेम किया गया था कि उन्होंने रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट भी किया था, और जिस मिसाइल से उन्होंने इसको इंटरसेप्ट किया था वो R-27 ET थी, जिसको उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में कन्वर्ट किया था, और ये घटना है 21 मार्च की। अंसार अल्लाह जो कि यमन रेबल ग्रुप का एक लीडर है, उसने ये क्लेम किया था कि उसने एयरक्राफ्ट को सदा के ऊपर मार गिराया था या हिट किया था, और उसने जिस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया था वो R-27 ET मिसाइल ही थी, जहां पर उसने एक वीडियो भी इसके सपोर्ट में अपलोड किया था। हालांकि उस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि मिसाइल एयरक्राफ्ट को हिट तो करती है लेकिन एयरक्राफ्ट क्रैश होते दिखाई नहीं पड़ता, और ये माना जाता है कि वो जो एयरक्राफ्ट था वो इस चीज़ को सर्वाइव कर गया था। दरअसल अगर हम R-27 ET-1 मिसाइल की बात करें तो ये एक इंफ्रारेड होमिंग एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है, और ये R-27E का ही एक्सपोर्ट वेरिएंट है। ये एक मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जो कि इंफ्रारेड होमिंग हेड के साथ में आती है, और इसे अलग अलग प्रकार के जो एरियल टारगेट्स हैं जैसे कि हाईली मनरेबल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, उनको मार गिराने के लिए बनाया गया था। किसी भी प्रकार का मौसम हो, दिन हो या रात हो, इसे इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं होती है। R-27 ET-1 की रेंज की बात करें
तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 80 किलोमीटर की है और इसको एयरक्राफ्ट से तो लॉन्च किया जा ही सकता है, लेकिन हाल ही में इसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में भी कन्वर्ट किया गया है। यानी वो मिसाइल जो अपनी लाइफ को पूरी कर चुकी हैं और उनका इस्तेमाल अब एयरक्राफ्ट में नहीं किया जा सकता, उनको इस समय सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है, जहां पर इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर की हो जाती है और ये अपने साथ 39 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। अब आइए जान लेते हैं कि समर एयर डिफेंस सिस्टम को लो कॉस्ट देसी जुगाड़ क्यों पुकारा जाता है। दरअसल भारतीय वायुसेना के द्वारा बड़ी संख्या में जो रशियन R-73 मिसाइल्स हैं और R-27 ET-1 मिसाइल्स हैं इनको खरीदा गया था ताकि इंडियन एयरफोर्स के Sukhoi-30 MKI, MiG-29 और MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट से इनका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन क्योंकि अब इन्होंने अपनी लगभग टेक्निकल लाइफ को पूरा कर लिया है और ये जो एयर टू एयर मिसाइल हैं ये जब अपनी उम्र को पूरी कर लेती हैं तो इनमें जो टेक्निकल मेलफंक्शन है इनकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिससे एयरक्राफ्ट और पायलट दोनों की लाइफ में खतरा होता है। लेकिन 7BRD और 11BRD ने इन मिसाइल को रिफर्बिश करके इनको एक नई लाइफ प्रदान करी है और इन्हें एक नए एयर डिफेंस सिस्टम में कन्वर्ट किया है जिसको हम समर के नाम से जानते हैं। इन मिसाइल को अब ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और ये एक लो कॉस्ट जुगाड़ है जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर रहा है। साथ ही साथ इन मिसाइल्स को नई लाइफ भी मिली है और इनका इस्तेमाल जो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके तौर पर किया जा सकता है जो कि VLSR SAM के बाद एक्टिव रहेगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो मिसाइल्स हैं ये अभी भी भारतीय सेना के लिए काफ़ी यूजफुल हैं और समर एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में काफ़ी लंबे समय तक इनका इस्तेमाल भी होता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।